हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि हम आपको नई वीडियो लेकर आ रहे हैं। हमें आपको सारे इर्टिका के 2022 मॉडल मार्च रजिस्ट्रेशन 2022 मॉडल की अभी वीडियो दिखाने वाली हूँ। ये इर्टिका का सारे एसेसरीज जो हमने ऐड किए हैं इसमें एक्स्ट्रा, ये सब दिखाने वाली हूँ। आज आप देखेंगे मार्च रजिस्ट्रेशन 2022 मॉडल एर्टिगा। एक एक पार्ट का एसेसरीज का हम पूरा डिटेल देने वाले हैं। आप वीडियो को एंड तक देखें और मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये मॉडल कैसी लगी और आपको ये कलर कैसी लगी। आपको कौन सी कलर का कार पसंद है ये भी आप कमेंट में मुझे जरूर बताएं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये नया टच स्क्रीन हमने लगाया है, ये इसमें मौजूद नहीं था, तो ओनली ऑडियो था। हमने ये टच स्क्रीन लगाया है जो इसके आप मोबाइल में मिलता है, सेम ऐसे ही मॉडल इसमें पूरा चलता है। जैसा कि आप टच स्क्रीन मोबाइल में यूज करते हैं वैसे ही आप इसको यूज कर सकते हैं। ये देखिए, ये है, ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑन ऑफ बटन दिया गया है। ये सेटिंग्स है, सेटिंग्स बटन है, ये है, ये देखिए, जैसे कि आपके मोबाइल में रहता है सेम बिल्कुल वैसे ही है। आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी, आप मोबाइल यूज कर चुके हैं। देखिए, ये वाईफाई दिया गया है, डेटा यूसेज, डिस्प्ले, एप्स, साउंड नोटिफिकेशन, बिल्कुल जैसा कि आपके मोबाइल में रहता है सेम वैसे ही दिया गया है। आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी यूज करने में। और यहाँ पर देखिए स्टोरेज आप देख सकते हैं। अभी ये देखिए, मैं आपको इंटरनल स्टोरेज दिखा रही हूँ, इतने का स्टोरेज इसमें मिलेगा। 1.23 GB रोम और 12.31 GB रैम मिलेगा। ये है इसका स्टोरेज। इसमें दो USB केबल्स दिया गया है, एक पेन ड्राइव के लिए और ये एक दिया गया है USB केबल, दो पेन ड्राइव केबल दिया गया है इसमें। ये देखिए, इसमें इसमें ग्लो बॉक्स में रहेगा। तो ये रहा इसका बॉक्स, ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, ये डोर में हम सारे डोर्स में डोर डैम्पिंग किया गया है, डबल साइड डोर डैम्पिंग किया गया है। साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी आती है इसके लिए। इसमें मैं अभी आपको ये बंद कर दिखाती हूँ कि कैसे साउंड क्लियरेंस आता है। नया स्पीकर्स लगाया गया है इसमें, ये नया ट्वीटर लगाया गया है इसमें, और यहाँ पर माइक भी देख सकते हैं आप, यहाँ पर माइक भी लगाया गया है। ये सभी एसेसरीज है, एक्स्ट्रा एसेसरीज, ये माइक भी लगाया गया है। यहाँ पर एंटीना भी लगाया गया है FM के लिए। ये देखिए, सारे डोर्स में और विंडोज में हमने डोर डैम्पिंग कराया गया है, डबल साइड से फिटर और स्पीकर्स भी लगाए हैं। और अभी मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में। अभी हमने डोर्स सारे क्लोज कर दिए हैं, अभी हम आपको क्लियरेंस दिखाएंगे, साउंड क्लियरेंस इसमें। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा स्टीयरिंग है, कार का स्टीयरिंग। इसमें देखिए, वीडियो का कंट्रोल इसमें दिया गया है, ये ऑन ज्यादा साउंड कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। ये बैक है, ये फ्रंट है, ये देखिए म्यूट बटन भी दिया गया है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये मशीन स्टिच कराया है, ये बहुत ही अच्छा क्लियर से किया है, अंदर से किया है, बहुत ही रेड कलर का मशीन स्टिच दिया गया है इसमें, रेड थ्रेड दिया गया है, बहुत अच्छा क्लियर अच्छा सा दिया गया है। हमने ये फिटिंग कराया है, आपकी पसंद से आप ये करा सकते हैं, जैसा भी आपको चाहिए। तो हमने ऐसा कराया, मशीन स्टिच कराया है, कॉस्टली रहेगा थोड़ा, लेकिन बहुत अच्छा दिखेगा, बहुत अच्छा लाइफ आएगा। डैश कैमरा हमने लगाया है इसमें, एक एक्स्ट्रा एसेसरी हमने ऐड किया है इसमें, RS कंपनी का, RS कार प्रीमियम का, बैंगलोर से हमने लगाया है, ये एक्स्ट्रा एसेसरी है। इसमें फ्रंट और बैक कैमरा सब कुछ क्लियर से दिखता है, मैं आपको अभी दिखाती हूँ यूज करके। कैमरा भी लगाया गया है,
इसमें अच्छे से क्लियर से आप जब भी चलाएंगे तो फ्रंट कैमरा बैक कैमरा अच्छा दिखाएगा। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका एड्रेस भी रख दूंगी, फोर्थ ब्लॉक जयनगर का है ये, मैं आपको एड्रेस डिस्क्रिप्शन दे दूंगी। फ्रेंड्स ये 128 GB सपोर्ट करता है, ये बहुत बहुत वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बहुत लंबी कार है, तो आपको ये कैमरा रहने से आपको इजी से चलाने के लिए बहुत आसान रहेगा, आपका बैक कैमरा अच्छा से जो भी जो जा रहा है ना गाड़ी वो अच्छा आसानी से अच्छे से दिख जाएगा। ये लंबी गाड़ी है तो आपको व्यू अच्छे से फ्रंट व्यू बैक व्यू अच्छे से क्लियर से आएगा आपको, आप जरूर इसको यूज करें, आपको जरूर पता चलेगा इसके बारे में। एक स्पेशल फीचर मैं आपको बताती हूँ, देखिए अगर ये कोई भी गाड़ी आपकी गाड़ी को टच कर देती है तो ये ऑटोमेटिक ये रिकॉर्ड कर देता है और आपको पता चल जाएगा कि कौन सी गाड़ी आपकी गाड़ी को टकराई है, तो इसीलिए हमने ये लगाया है, तो ये इसका एक स्पेशल फीचर है। अगर आप सिग्नल जंप कर दिए हैं तो वो भी इसमें रिकॉर्ड हो जाएगा, वो भी इसमें आपको दिखाएगा। देखिए फ्रेंड्स ये हमने जो लगाया है कैमरा ये, और ये जो हमने टच स्क्रीन लगाया है, इसका और एक फीचर आप मैं आपको बताती हूँ, ये लगाने की ये लगा हमने कहाँ लगाया है, हमने RS कार प्रीमियम में ये दोनों लगाया है। इसका एक स्पेशल थिंग क्या है कि वह ये एक 1 ईयर वारंटी है ये दोनों, अगर ये कोई भी आपको खराब हो गया या डिफेक्ट हो गया या कोई भी पार्ट चला गया तो आप यहीं पर जाकर इसका सर्विस सेंटर में करा सकते हैं, ये बनसवाड़ी में ये इसका सर्विस सेंटर है, वहां पर जाकर आप इसका सर्विस करा सकते हैं, पे करके करा सकते हैं। अगर दोनों अगर दूसरी जगह पर आप खरीदेंगे RS में नहीं, जैसे दूसरी जगह पर खरीदेंगे तो वो आपको उठाकर फेंकना पड़ेगा, दूसरा लगाना पड़ेगा। इसका स्पेशल थिंग ये है कि हम जाकर इसी सेंटर में सर्विस करा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये फ्रंट बैक जाता है, ये एसेसरी हमने लगाया है, ये देखिए हैंड रेस्ट भी ड्राइवर के लिए हैंड रेस्ट के लिए लगा सकते हैं आप, ये देखिए क्लिक बटन दिया गया है, ये बटन दबाकर इसको उठा सकते हैं और कुछ भी स्टोरेज भी इसमें कर सकते हैं। फ्रेंड्स इसका ग्लास देखिए आप, ये पूरा ब्लैक नहीं है, ये देखिए ब्लो पंक्ट का हमने अच्छी क्वालिटी का लगाया है इसमें, ये 25% कूलिंग पेपर है, ये देखिए ये हमने लगाया है इसमें, तो पूरा ब्लैक नहीं लगा सकते इसलिए सन प्रोटेक्शन के लिए हमने 25% इसमें दिखता है, 25% ब्लैक है, 75% अच्छे से क्लियरिटी है, ये हमने अच्छी क्वालिटी का लगाया है इसमें, कूलिंग पेपर लगाया है हमने इसमें, समर में बहुत अच्छे यूज आएगा। ने ये नूडल्स मैट लगाया है, ये देखिए ऑटो फॉर्म नूडल्स मैट हमने इसमें इसमें लगाया है, ये देखिए यहाँ पर भी हमने पीछे भी नूडल्स मैट लगाया है, ये देखिए फ्रेंड्स हमने ये एक्सेसरी एक्स्ट्रा लगाया है, हेडरेस्ट बहुत अच्छा बहुत स्मूथ है, ये भी ऑटो फॉर्म का एक्सेसरी है, लॉन्ग जर्नी के लिए बहुत अच्छा रहेगा, नेकरेस्ट के लिए इसमें नेकरेस्ट दिया गया है, फिर भी हमने ये एक्स्ट्रा लगाया है ऑटो फॉर्म का, बहुत स्मूथ बहुत ही अच्छा है। देखिए फ्रेंड्स हमने एर्टिगा का यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक का लगाया है, ये ओपन करने से डोर रात में ये लाइटिंग आती है बहुत अच्छा दिखता है, मैं रात में भी आपको दिखाती हूँ, ये है डे टाइम में इसमें लाइटिंग नहीं आ रही है, रात में ओपन करने से लाइट आती है इसमें, यहाँ पर एर्टिगा का लगाया है हमने, तो इधर भी लगाया है, ये देखिए वो तरफ भी लगाया है, दोनों साइड्स में हमने ऐसा लगाया है, एक्स्ट्रा एक्सेसरी है। ये देखिए फ्रेंड्स अच्छे से इसका बड़ी कार है, इसका अच्छे से ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है, अच्छे से आप कहीं भी कोई भी लॉन्ग ड्राइव में अच्छे से ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ये देखिए ये फुट रेस्ट हमने डलवाया है, एक एक्सेसरी, ये आप पैर रखकर इस पर आराम से बच्चे वगैरह इसके ऊपर पैर रखकर कर आराम से अंदर कार में जा सकते हैं, ये फुट रेस्ट हमने डलवाया है, अच्छा है बहुत अच्छा लुक है, दोनों साइड में ये डलवाया है, ये देखिए ये एक साइड का है और ये भी, ये देखिए इधर साइड में भी, राइट साइड में लेफ्ट साइड में दोनों साइड में फुटरेस्ट लगाया है, ये डालने से लुक अच्छा रहेगा कार का, तो हमने इसलिए इसको डलाया है। ये आप टायर्स देखिए 15 इंच के टायर्स दिए गए हैं, ये देखिए फ्रेंड्स इसके स्टील रिंग्स दिए गए थे, हमने इसको चेंज कर अलॉय व्हील्स में
चेंज कर अपडेट किया है। ये देखिए बहुत अच्छा लुक है, हमने इसलिए इसको चेंज किया है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कार में ही आएगा, ये लुक अच्छा है। हमने यहाँ पर नीचे एक लुक दिया गया था, वो हमको अच्छा नहीं लगा तो हमने चेंज कर दिया है फ्रेम को। ये देखिए, ये बहुत अच्छा लुक देता है। हमने ये ग्रिल टाइप का अच्छे से ग्रिल लगाया है, थ्री लाइंस का लुक अच्छा आएगा, इसलिए हमने एक्स्ट्रा एक्सेसरी में ऐड किया है और लगाया है। फ्रेंड्स ये देखिए, हमने फुल बॉडी क्रोम फिनिशिंग लगाया है कार में। ये देखिए फ्रंट में यहाँ पर लगाया है क्रोम, देखिए एक्स्ट्रा फिनिशिंग है, ये सब एक्स्ट्रा एक्सेसरी है। ये देखिए यहाँ पर विंडो के पास एक्स्ट्रा लगाया है फुल बॉडी क्रोम फिनिशिंग। ये देखिए यहाँ पर लगाया है, ये देखिए यहाँ पर लगाया है, यहाँ पर नीचे ये देखिए यहाँ पर भी एक्स्ट्रा क्रोम फिनिशिंग लगाया है, यहाँ पर एक्स्ट्रा क्रोम फिनिशिंग लगाया है, ये भी एक्स्ट्रा है क्रोम फिनिशिंग। ये देखिए पूरे साइड्स में एक्स्ट्रा क्रोम फिनिशिंग हमने लगाकर गाड़ी को अच्छे से लुक दिया है। देखिए फ्रेंड्स, हमने रेयर बम्पर गार्ड भी इसमें ये लगाया है। ये देखिए अच्छे से लुक है कार में, इसलिए हमने ये भी लगाया है। देखिए फ्रेंड्स, ये भी एक्स्ट्रा एक्सेसरी है, ये स्पॉइलर देखिए पीछे से अच्छे से लुक देता है कार को, ये भी हमने लगाया है। ये देखिए स्पॉइलर अच्छे से लुक देता है, इसलिए हमने ये भी इसमें लगाया है एक्सेसरी। ये रूफ रेल भी हमने इसमें लगाया है, ये भी अच्छे से लुक देता है, सिंपल से हमने ये भी अच्छे से लगता है, ये भी हमने इसमें रूफ रेल भी लगाया है। ये देखिए रूफ रेल, ये देखिए फ्रेंड्स, ये भी हमने कार के डोर्स में लगाया है, ये साइड में और वो साइड में, और देखिए चारों तरफ फोर डोर्स को ये भी हमने लगवाया है, ये भी एक्सेसरी है एक्स्ट्रा एक्सेसरी। फ्रेंड्स हमने विंडो वाइजर्स भी इसमें लगाया है, दोनों तरफ हमने विंडो वाइजर्स भी एक्स्ट्रा एक्सेसरी है, ये भी लगाया है, ये भी अच्छा लुक देती है। देखिए फ्रेंड्स, ये गाड़ी ऑन करने पर एक्स्ट्रा ये भी हमने लाइट्स इसमें लगवाए हैं। रात में आपको मैं दिखाती हूँ, ये डे में लुक ऐसा रहेगा। ये देखिए एक्स्ट्रा हमने लाइट्स लगवाए हैं दोनों साइड्स में, आप देखिए ऑन करने पर ये ऐसा ऑन होता है, रात में आपको क्लियर ग्लो दिखेगा। ये फ्रेंड्स, ये भी हमने एक्सेसरी लगाया है, इसमें बहुत अच्छा ब्राइटनेस आता है। ये एलईडी लाइटिंग का करवाया है हमने दोनों तरफ से, ये देखिए, और नीचे के लाइट्स देखिए आप, ये भी हम नीचे के लाइट्स भी लगवाए हैं। ये देखिए ऊपर के लाइट्स भी आप देख सकते हैं ग्लो हो रहे हैं, वो मैं नाइट में भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए नीचे के लाइट्स भी, ये देखिए नीचे के लाइट्स भी, तीन कलर आते हैं, ये व्हाइट आया अभी, ये देखिए येलो में आया है अभी ये एक लाइट कलर में आया है, तीन कलर्स में हमने इसको लगवाए हैं, बहुत अच्छा लुक देता है, इसलिए इस फ्रंट का लुक हमने लाइटिंग से बहुत अच्छा किया है। इस तरह का कुछ रहता है, ये देखिए फ्रेंड्स, राइट इंडिकेटर इस तरह का इस एर्टिगा कार में दिखाई देगा आपको। ये देखिए ये ग्लो हो रहा है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर ये हमने एक्स्ट्रा इसमें ऐड किया है, यहाँ पर मिरर में भी आपको दिखाएगा, ये इसमें ही आपको मिलेगा, ये खुद से कार में आया है, और हमने पीछे भी यहाँ पर लगाया है एक्स्ट्रा है, ये देखिए यहाँ पर ग्लो हो रहा है, राइट इंडिकेटर है, ये हमने लगवाया है एक्स्ट्रा है, ये देखिए पीछे से दोनों तरफ आप देख सकते हैं लेफ्ट और राइट में ये दिखाएगा आपको, ये हमने खुद से लगाया है। फ्रेंड्स आपको मैं लास्ट में ये बताने जा रही हूँ कि सारे विंडोज हमने खोल दिए हैं, विंडोज के मिरर्स हमने खोल दिए हैं। ये देखिए ये चाबी, ये देखिए ये चाबी ऑफ करने से, देखिए लॉक डालने से वन बाय वन ये मिरर्स देखिए खुद ब खुद बंद हो जाते हैं, डोर्स विंडोज वन बाय वन बंद हो लेके आ रहे हैं। ये देखिए हम डालने की जरूरत नहीं, खुद ब खुद ये भी बंद हो जाते हैं और ये भी बंद हो जाते हैं खुद ब खुद, ये भी बंद हो जाते हैं, और ये विंडोज के सारे एक्स्ट्रा एक्सेसरी है ये बंद हो जाते हैं खुद भी, ये कार में दिया नहीं गया है, हमने डलवाया है, ये सारे खुद से बंद हो जाते हैं विंडो, ये देखिए खोलने से ऑटोमेटिक खुल जाता है। इस कार में यहाँ पर एडजस्टमेंट दिया गया है आपको, हम ये यूज नहीं कर रहे हैं हम, देखिए हम अगर आप बाहर जा रहे हैं तो जस्ट आप
सब विंडोज ऐसे ही खुला छोड़ देंगे और बाहर आके बटन दबाएंगे तो सारे देखिए विंडोज और ये भी और सारे साइड मिरर्स और सारे विंडोज के ग्लासेस खुद ब खुद बंद हो जाएंगे। देखिए फिर से एक बार दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए खुद ब खुद ओपन होते हैं, खुद ब खुद बंद हो जाते हैं। ये हमने करवाया है, ये अंदर से हमको बंद करने की जरूरत नहीं है, ये एक फैसिलिटी हमने करवाया है। ये देखिए फ्रेंड्स नाइट में ये DRL लाइट्स इस तरह के होते हैं, ये DRL लाइट्स हैं नाइट में इस तरह के होते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स ये DRL लाइट है। इसके बाद आते हैं अभी लाइट्स, देखिए फॉग लाइट्स, फॉग लाइट्स ये देखिए, ये तीन कलर में आते हैं, येलो लाइट व्हाइट और डार्क व्हाइट में आता है। ये फॉग लाइट्स हैं के ऊपर में देखिए फ्रेंड्स, DRL का ऊपर में लो बीम और हाई बीम लाइट्स हैं, लो बीम और हाई बीम फोकस लाइट हैं। ये देखिए फ्रेंड्स फॉग लाइट का लाइटिंग कितना क्लियरिटी से आपको इधर से दिख रहा है, येलो कलर का ये लाइट व्हाइट और ये डार्क व्हाइट, ये है फॉग लाइट्स। और अभी हम ऑन करेंगे डिम लो बीम और हाई बीम। ये देखिए कितनी दूर तक लाइटिंग कैसे क्लैरिटी से आपको दिख रहा है, ये लो बीम है और ये हाई बीम है। ये देखिए लाइटिंग कितनी दूर तक जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स ये Ertiga का नाइट में कैसे ग्लो होता है, ये कोई ऑन नहीं किया है, इलेक्ट्रिक से अंदर से हमने लगाया है। Ertiga का कैसे ग्लो कर रहा है बाहर से आप देखिए, डोर में लगाया है हमने एंट्रेंस में, तो चार प्लेस में चार डोर्स में हमने एंट्रेंस में लगाया है। ये देखिए कैसे ग्लो करता है इलेक्ट्रिक का अंदर से लगाया है ये। ये देखिए फ्रेंड्स ये डे टाइम में आपने देखा था, अभी नाइट टाइम में देखिए ये इसमें कैमरा ग्लो हो रहा है, ये है डैश कैमरा। और ये देखिए नाइट में ये फ्रंट व्यू में ऐसे लग रहा है आपको फ्रंट व्यू में, अभी आप पीछे दिखाऊंगी मैं बिल्कुल अपोजिट में, देखिए कितना डार्क है। ये देखिए आप कुछ भी नहीं देख सकते इधर से, अगर आपको मिरर है तो भी नहीं दिखाई देगा, वही हमने कैमरा लगाया है। अभी देखिए व्यू कितना अच्छा आ रहा है, ये देखिए अभी हम फ्रंट का व्यू दिखाएंगे, लाइटिंग रात में भी कितना अच्छा है देखिए। ये देखिए फ्रेंड्स ये है डैश कैमरा, ये पीछे का दिखाई दे रहा है, देखिए आदमी जा रहा है खड़ा है आपको क्लियर से दिख रहा है। ये देखिए ये डैश कैमरा है, इसमें हम काफी सारी चीजें एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ये देखिए इसमें ब्राइटनेस भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं ब्राइटनेस, ये देखिए ज्यादा भी कर सकते हैं, आपको जितना ब्राइटनेस चाहिए आप कर सकते हैं, और भी इसमें फैसिलिटीज हैं। ये देखिए ये फ्रंट व्यू है, ये फ्रंट व्यू है और ये देखिए ये फ्रंट व्यू है ये, और ये है बैक व्यू। एक मिनट फ्रेंड्स, हमने जो भी रिकॉर्डिंग किया है वो यहाँ पर आता है, वो भी हमने सुबह में दिखाया था, ये अभी क्लैरिटी से आपको दिख रहा है, ये आप हम जो भी बोलते हैं इसमें रिकॉर्ड हो जाता है, तो ये डिलीट भी कर सकते हैं आप। अभी दूसरा वाला हम दिखाएंगे, फ्रंट व्यू है, ये देखिए ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, बैक व्यू है, ये देखिए ब्राइटनेस एडजस्टमेंट, ये देखिए ऊपर भी कर सकते हैं नीचे भी कर सकते हैं, ये देखिए आप जैसे चाहे आपको एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। ये देखिए अभी हम फ्रंट व्यू, फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा दो भी दिखाएंगे एक ही इसमें। ये देखिए ये फ्रंट का कैमरा है और ये बैक है, ये फ्रंट है ये बैक है, दो भी दिख रहा है, वो ऐसे भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, सिंगल भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये सारी काफी चीजें आपको अच्छे से मिल जाती हैं इसमें। ये देखिए फ्रेंड्स हमने लाइट एडजस्टमेंट्स रखा है इधर नीचे पैर के पास, इधर देखिए इसमें काफी सारे कलर्स हैं, देखिए आप कलर्स चेंज हो रहे हैं, ये सारे काफी कलर्स चेंज होते हैं, इधर भी रखा है हमने और इधर भी रखा है हमने बीच में, तो ये एडजस्टमेंट भी एक हमने ऐड किया है कलर्स में, वैरायटी वैरायटी के कलर्स इसमें ग्लो होते हैं। आप रात में आकर नीचे कुछ भी गिर गया है तो ये देखिए आसान से उठा सकते हैं आप ऑन करके, इसका रिमोट कंट्रोल भी है, ये देखिए इसका रिमोट भी है, इसको दबाने से कलर्स
चेंज होते हैं। मैं देखिए फ्रेंड्स, ये डैश कैमरा और ये वीडियो का हमने आरएस कार प्रीमियम में लगवाया किया है, तो ये आरएस कंपनी आरएस प्रीमियम कार प्रीमियम में लगाया है हमने। हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं, हम इधर लगाए हैं। इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चाहे तो आप जाके लगवा सकते हैं, और भी बहुत सारे शॉप्स हैं वहीं से भी आप लगा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा हमने इंस्टॉलमेंट किया है, इसके लिए बता रही हूँ। और डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल गाइज, एंड प्लीज फॉलो माई वीडियोस। एंड आप अगर मुझे फॉलो करेंगे और मुझे कमेंट में बताएंगे तो ही मुझे पता चलेगा कि आप मेरे चैनल वॉच कर रहे हैं। प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट में मुझे जरूर बताएं कि आपको कार्स में कौन से कलर पसंद है, और ये आपको वीडियो मेरा कैसा लगा ये जरूर आप बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड गाइज, थैंक यू सो मच। और आरएस कार प्रीमियम में हमने इसलिए लगवाया है कि यहाँ पर 15-25% हमको हर एक पार्ट्स पर डिस्काउंट मिल जाता है, और यहाँ पर फ्री इंस्टॉलेशन है, इसलिए हमने वहां पर लगवाया है। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल देन गाइज, थैंक यू सो मच।